गाइस यहाँ पे पिटअप कटिंग मार्किंग और वेल्डिंग हो रहा है, टैकिंग हो रहा है। यहाँ हमारे सुपरवाइजर मिस्टर बादल हैं जो आपको बताएंगे कि कटिंग कैसे करते हैं, मार्किंग कैसे करते हैं, पिटअप कैसे, टैकिंग कैसे करते हैं। तो चलिए इनसे हम पूछते हैं। मैं मार्किंग डाल रहा हूँ 150 mm। मैं मार्किंग डाल रहा हूँ 150 mm, तो इसमें आ जाएंगे 150 mm। 150 mm हमको मार्किंग करना है। अभी तो मैं डाल दिया। जो पाइप कटिंग करने के लिए बराबर सही तरीके से पाइप कटिंग करने के लिए हमको अभी कैसे कुछ तरीके से मार्किंग करना है, तो सबसे पहले मैं इसमें दो चीज डाल सकता हूँ, लेकिन जो मेरा पास अवेलेबल नहीं बोल के मैं मीटर से कर रहा हूँ। रफ अराउंड मेरे पास अवेलेबल है ही नहीं, तो ठीक हो मैं मीटर से मार्किंग करके अभी डाल देता हूँ। अभी मीटर से मैं लगा देता हूँ, मीटर से इजी तरीका से अभी मार्किंग हो रहा है। ओके, अभी मार्किंग हो चुका है, हमारा पूरा मार्किंग हो चुका है। ठीक, अभी मैं जा रहा हूँ कटिंग करने के लिए। तो कटिंग का पहले सबसे पहले हमको क्या करना है, जो ग्राइंडर AG4 जो ग्राइंडर है, ग्राइंडर यूज करना है। तो ग्राइंडर यूज करना है तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए जो ग्राइंडर का जो है ना सही तरीके से सब कुछ है कि नहीं। तो ग्राइंडर सब कुछ सही है, स्टिकर सब कुछ सही है। तो अभी कटिंग करने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो सबसे पहले ग्राइंडर तो सही हो गया। तो कटिंग करने के लिए हमको अभी जो हमारा प्रोडक्शन करने के लिए हमारा अभी फेसशील लगाना है। हम फेसशील में लगा दिया, फेसशील लगा दिया, आगे हमको कटिंग करना है। तो कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो कटिंग अभी तक कटिंग में चालू करने के बाद अभी घुमा दिया। तो मैं अभी बीबेल कौन सा तरीका से बनाना है सबसे पहले मैं देख लेता हूँ। जो बीबेल का जो है, तो बीबेल बनाना है तो सबसे पहले हमारा जो AD शेड्यूल का आया है 5.54 है, तो हमारा थिकनेस है। तो थिकनेस के हिसाब से जो बीबेल आ रहा है 37.5 है। तो 37.5 जो आ रहा है, तो 37.5 मैं कौन सा तरीका से मारूंगा, तो इसका डिवाइड करने के बाद फिर भी हमारा है समथिंग 4 mm 25 उसको आ रहा है। तो 25 mm हमको अभी इधर निकलने के बाद बीबेल बराबर 37.5 में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो कौन सा तरीका से अभी बीबेल बनना है मैं अभी बीबेल बना के आपको देख लेता हूँ। ओके, ये अभी हमारा बीबेल हो चुका है। अभी देखिए तो मैं बीबेल हमारा बराबर बीबेल 37.5 37.5 हमारा डिग्री से आ रहा है, 4 mm मेरा 4 समथिंग कुछ है। तो मेरा अभी डिग्री हो चुका है 37.5 आया। तो अभी मैं जा रहा हूँ जो इसको अभी जड़ने के लिए, जो इसको अभी टाकिंग ले रहा हूँ जो पिकअप करने। अभी देखिए हमारा जो गैप जो है अभी 4 mm से हमारा गैप चालू हो रहा है, तो मेरा अभी 3.5 दे रहा हूँ, मैं 3.5 mm गैप दे रहा हूँ। तो गैप कैसे रखना है और इसको टाकिंग कैसे लेना है, राइट है। हमारा देखना है जो राइट एंगल के हिसाब से बराबर है कि ना। तो मैं राइट एंगल देख रहा हूँ जो इधर, इसका फिर लेवल भी चेक कर रहा हूँ जो इसका लेवल जो बराबर है। मेरा को अभी लेवल देखिए, इसका लेवल बराबर है। तो अभी राइट एंगल सब कुछ बराबर है, अभी टाकिंग ले लेता हूँ मैं। ओके, अभी टाकिंग, जस्ट अभी टाकिंग। हाँ, अभी मैं हाइलू चेक कर रहा हूँ, हाइलू चेक करके अभी मैं बता देता हूँ। इसके लिए हमें बॉक्स बनाना है। तो
मैं सबसे पहले ड्राइंग नंबर लगा देता हूँ, ड्राइंग नंबर लगा देता हूँ, इसमें ड्राइंग नंबर है। अभी इसमें आ जाएगा मेरा को स्कूल नंबर, स्कूल नंबर, और इसमें आ जाएगा हमारा ज्वाइंट नंबर, ज्वाइंट नंबर। अभी इसमें आ जाएगा हमारा फिटनेस, और इधर जो हमारा फिटनेस का साथ है 7-0 हमारा वर्ल्ड आईडी। बादल जरा आप ड्राइंग के बारे में बताइए कि ड्राइंग कौन सा है, कौन सा आइसोमेट्रिक यूज कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? आइसोमेट्रिक स्मॉल वर्क का प्राइस है ये, आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, स्मॉल वर्क का जो है ड्राइंग जो है जी हाँ। तो हमारा स्मॉल ड्राइंग के हिसाब से जो अभी हेडर हम लोग ऑलरेडी मैंने पुल लगा दिया, तो हेडर से जो लाइन निकल रहा है, ब्रांच लाइन जो निकल रहा है, तो ब्रांच लाइन के लिए अभी सबसे पहले हमारा जो पाइप जो है, पाइप का जो पाइप कौन सा मेटल का जो पाइप है, सबसे पहले वो मेटल का हिसाब से हम लोग को पाइप देना है। तो मेटल हम लोग को 106 है, तो इसका मतलब है CS जो है 106 है, तो CS का जो मेटल है। ओके, तो इसका पाइप सबसे पहले मैं देख रहा हूँ जो लेड ऑन से जो पाइप उठाया, जो इसके हीट नंबर जो है जी हाँ, तो हीट नंबर बराबर मैं देख के इस इधर लगा लेता हूँ। ओके, ये हीट नंबर आपने ट्रांसफर किया है? हाँ, हीट नंबर जो लंबा वाला पाइप में जो हीट नंबर रहता है हर जगह में तो नहीं रहता है, तो छोटा वाला पाइप में जब हीट नंबर में कैसे लगाऊंगी था, तो बाद में मैं ट्रांसफर किया इसमें। ओके, आपने ट्रांसफर कर दिया? हाँ, मैं ट्रांसफर कर दिया इसमें मैं राइटिंग कर दिया। ओके, तो ये जो पाइप ये है जो 106 है, A106 CS का है जी, CS का पाइप है। आपने तो इसको ऑलरेडी मार्किंग कर दिया है ना? हाँ, मार्किंग। तो इसका आपने आइसोमेट्रिक दिखा सकते हैं कि कौन सा आइसोमेट्रिक से फॉलो किया आपने, कितना डायमेंशन है इसका? इसका डायमेंशन है जो आइसोमेट्रिक स्कूल का नंबर का हिसाब से मैं डायरेक्टली इधर नंबर भी लिख दिया। ओके, और ड्राइंग में दिखाइए कितना है इसका? ए ड्राइंग में भी करता हूँ, ड्राइंग का हिसाब से आपने ये जो है ये आपने इसके हिसाब से मार्किंग किया है? हाँ, इसके हिसाब से। तो ये आइसोमेट्रिक है, आपने ऑलरेडी मार्किंग कर दिया है? हाँ, मार्किंग, ठीक है ना। तो जरा दिखा सकते हैं आप कि आपने जो मार्किंग किया है एग्जैक्ट किया है कि नहीं? हाँ, मैं दिखा सकता हूँ, 1258 exactly 1258 1258 exactly 1258 ओके, ठीक है। आप इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद जो अभी मैं कटिंग कंप्लीट हो चुका है, तो मेरा जरूरत है, तो फिटिंग के लिए सबसे पहले हमको देखना है जो फिटिंग का कोड नंबर क्या है। तो फिटिंग का कोड नंबर जो है 1058 ओके, 1058 फिटिंग जो हमारा ट्विंसिस के लिए एल्बो चाहिए, टी चाहिए, रेडिंग टी चाहिए, तो पूरा मेटल मिला के बाद में हमको लेना है जो फिटअप के लिए। ओके, जो फिटअप के लिए जा अभी जो फिटअप करने के लिए मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले देखना चाहिए कौन सा अभी हमारा जो लगा रहा हूँ जो फिटिंग्स जो है, तो अभी मेरा ये पाइप के साथ अभी लगेंगे जो कॉपलिंग है, तो कॉपलिंग लगा रहा हूँ, तो कॉपलिंग लगाने के पहले सबसे पहले हमको जानना चाहिए जो अभी अंदर में गैप कितना एमएम रहना है। ओके, तो गैप 1.6 mm गैप रहना चाहिए हमको। ओके, तो 1.6 mm कैसे गैप रहेंगे, तो फिर भी हमको कैसे मालूम पड़ेगा जो 1.6 mm है कि नहीं? तो सबसे पहले मैं डाल देता हूँ जो एक मार्किंग, या सीधा एक मार्किंग डाल देता हूँ। मार्किंग डालने के बाद ऑटोमेटिकली हमको 1.6 mm का इधर आ रहा है, 1.6 mm में गैप डाल देता हूँ, 1.6 mm, तो तुरंत मैं टैगिंग ले लेता हूँ 1.6 mm का टैगिंग। टैगिंग तो हो गया, अभी हमको देखना है जो अभी राइट एंगल है, तो हमको अभी चेक करना है जो राइट एंगल का जो है। ओके, अभी मैं टाकिंग दूसरा वाला टाकिंग ले लेता हूँ। ये हमारा सॉकेट वाल्व है,
अभी हमारा अभी गैप बराबर है, अभी किस टाटा के लिए मैं डाल देता हूँ इसमें नंबर, ज्वाइंट नंबर जो नहीं। तो आपने पहले ये बताइए मुझे कि गैप जो आपने ये पैरेलल चेक करने के लिए कैसे किया, आपने राइट एंगल यूज किया? ठीक है जी, पहले सब राइट एंगल आपने यूज किया जी। तो आपको उसको मेजरमेंट करेंगे ना कि हाँ हमारा बराबर है कि नहीं है, वो दिखाइए मुझे। जो गैप अभी मैंने सबसे पहले अभी तो मैं पैरेलल चेक कर लिया, जो पैरेलल का हिसाब से हमारा जो गैप अभी पैरेलल चेक कीजिए आप, पैरेलल चेक करके मैं डाल दिया इसमें टाकिंग, पैरेलल चेक करके टाकिंग डाल दिया। अभी मेरा को अभी चेक करने क्या है गैप है, जो गैप कितना में उनका गैप है, जो गैप बराबर है कितना। तो सबसे पहले मैं डाल देता हूँ मीटर जो है ऊपर से मीटर ना लगे हमारा का हिसाब से इधर बराबर है कि ना, उधर भी जाके मेरा को उतना ही मिलेगा सेम टू सेम। होने के बाद मैं पेपर इधर चिपका देता हूँ, चेकिंग के आइडेंटिफिकेशन ज्वाइंट का जो है वो आपने लिख दिया यहाँ पे है ना जी। ओके